उसके बारे में भी हमने पता किया और अब उसके भाई को जो खालिद मुजफ्फर बानी है जो उसके भाई को सरकार जो है वो एक कंपनसेशन दे रही है। हम कह रहे हैं कि अब जो जितनी भी एजेंसियां थी इनकी उन्होंने अब साबित किया कि उसका भाई जो है इनोसेंट था, वे आतंकवादी नहीं था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ऐसे इनोसेंट लोगों को मारकर क्या करना चाहती है। अगर उन्होंने उस इनोसेंट विद्यार्थी को उस वो जो पढ़ता था वो एमए कर रहा था उसको मारा, उसके मरने से उसका भाई जो है आतंकवाद बना। बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, ये सरकार आतंकवादी है। जिस सरकार ने उसको मारा उससे उसका भाई बना। ऐसे कई जो नौजवान होंगे जिनके साथ नजायज हुई होगी और जिस मां का बच्चा मरा होगा, जिस गांव का बच्चा मरा होगा, जिस कश्मीर वैली में बच्चा मरा होगा, तो वो कश्मीर वैली जो है वो कहीं नहीं टहलेगी। सरकार इसकी मूल जगह पर नहीं जाने की कोशिश कर रही है। सरकार को चाहिए कि जितने भी यहां लोग मरे हैं, जितने भी लोग यहां शहीद हुए हैं, उसको हम उसको शहीद कहेंगे, मरा हुआ नहीं कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमें पता लगा है, जिस तरीके से एजेंसियों ने कहा है कि वो इनोसेंट था, वो एक विद्यार्थी था। तो आप मानते हैं कि बुरहान वानी जो था वो शहीद है और नंबर टू जो उसका भाई था वो इनोसेंट है? जैसे हमें गांव में पता लगा है और एजेंसियां भी जैसे अब बता रही हैं कि अब कंपनसेशन के लिए सरकार जो है कह रही है कि हम इसको कंपनसेशन देंगे, उसको देते हुए हम उसे आतंकवादी नहीं कहेंगे, हम भी उसे शहीद ही कहेंगे और हम सरकार को इसको कटहरे में खड़ा करेंगे और सरकार के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सरकार के ऊपर भी, उस चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसे इनोसेंट लोगों को मारा। इन्होंने कश्मीर के माहौल को सुधारने की जगह और आग की भट्टी में डाल दिया है। अब सरकार को चाहिए कि सरकार ऐसे जितने भी जो है 99 या जितने भी यहाँ लोग शहीद हुए हैं उनके घर घर में जाना चाहिए। जैसे कंपनसेशन इसको दे रहे हैं 4 लाख की जगह नहीं, इन सबको 50-50 लाख की कंपनसेशन देनी चाहिए ताकि कश्मीर जो है अपने प्रॉपर तरीके पर अपनी पटरी पर आ सके। तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर बुरहान वानी के भाई को कंपनसेशन मिल रहा है तो बुरहान वानी या उस जैसे जो भी मतलब बच्चे अभी बिगड़ गए हैं उनको भी कंपनसेशन देना चाहिए? मेरा तो हमारा विचार तो यही है कि जैसे हमने पीछे देखा कि इस तरीके से अगर आतंकवादी बनाएंगे, ये आतंकवादी सरकार ही आतंकवादी बना रही है, वो बच्चे आतंकवादी नहीं, ये सरकार ही है जो आतंकवादी खड़े कर रही है। ऐसे इनोसेंट बच्चों को मारोगे तो वो इनोसेंट बच्चों को मरने से और ज्यादा आतंकवादी पैदा होंगे। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो बच्चे भटक गए हैं, जो 20-22-25 साल की उम्र की जो भटके हुए बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। अगर उनको पकड़ा भी जाता है तो उनको ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए उनसे कि उनको फांसी पर लटका दो या नहीं। वो इनोसेंट बच्चों को, जो इनोसेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको सुधारने के लिए उनको नौकरियां दी जाती हैं या किस तरीके से भी जो है उनको कंपनसेशन दी जाती है, तो उसमें कोई इनकार करने वाली कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल लेते हैं, इनका स्कूटी का भी थोड़ा बोलना था। कश्मीर का हमारा जो ये है स्कूटी, इनको स्कूटी।